इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सुलगते सवाल में। आपको बता दें, सरकार से बातचीत के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए करीब ढाई घंटे से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चे की बैठक हो रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर जिसके बारे में आपको बता दें, डीडीसी में जीत पर शाह का ट्वीट। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, लोकतंत्र बहाली की कोशिश हुई है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, डीडीसी चुनाव इसका सबूत है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने डीडीसी चुनाव पर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की बहाली की कोशिश है। डीडीसी चुनाव जो कि पहली दफे हो रहे थे केंद्र शासित प्रदेश में, और ऐसे में जिस तरह के नतीजे बीजेपी के लिए आए हैं वो काफी उत्साहवर्धक है, और इसी वजह से शाह ने ट्वीट किया है। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विक्रांत, लोकतंत्र बहाली की कोशिश, एक बड़ा संदेश गृह मंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए दिया है डीडीसी चुनाव पर। देखिए, जिस चीज की तरफ गृह मंत्री इशारा करना चाह रहे हैं, जो बात वो बोल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे सीट थी घाटी की जिनका हमने देखा था कि पूर्व के चुनावों में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर राष्ट्रपति शासन के दौरान जो पंचायत के चुनाव हुए थे उनकी अगर हम बात करें, बहुत ही कम लोग उसमें वोट डालते थे। आपको याद होगा कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव जीते थे फारूक अब्दुल्ला, तो उनकी सीट पर महज 7% लोगों ने वोट दिया था। तो इस बार जिस तरीके से डीडीसी के चुनाव में लोगों ने ज्यादा बड़ी संख्या में वोट दिया उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, और निश्चित तौर पर यह एक बड़ी सकारात्मक बात है कि घाटी के उन इलाकों में जो अभी तक आतंकवाद से पीड़ित थे और जहां पर 5-7% केवल लोग वोट डालते थे, अब उन सीटों पर भी 20-22-25 और कई सीटों पर तो 30-35% तक लोगों ने वोट डाला है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है, और सरकार का ये मानना है कि जिस तरह से ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है वो ये दिखाती है कि लोकतंत्र बहाली को लेकर के लोगों में एक उत्साह जगा है, और जिस तरीके से सरकार वहां पर इस समय काम कर रही है उसने बैलेट को एक तरजीह दी है लोगों ने, और बुलेट का जो रास्ता था उसको कहीं पीछे छोड़ते हुए राज्य अब तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने लगातार एक एक कर चार ट्वीट किए हैं डीडीसी चुनाव को लेकर, और साथ ही जम्मू कश्मीर के भाई बहनों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने बढ़ चढ़कर वोटिंग में अपनी शिरकत की है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि किस तरह से बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन में, ये बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए, और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की वजह से। और साथ ही इसी तरह हम लगातार काम करते रहेंगे, ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में कही है, और जिसके जरिए विकास की राह पर जम्मू कश्मीर को लेकर हम आएंगे। और साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का भी धन्यवाद किया है। ये तीन ट्वीट लगातार उन्होंने डीडीसी चुनाव पर किए हैं, और साथ ही सरकार के बातचीत के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए करीब ढाई घंटे से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चे की बैठक हो रही है। और इस बैठक में किसान ये फैसला लेंगे कि क्या सरकार से बातचीत की जाए या नहीं। किसान पिछले 28 दिन से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो कृषि सुधार कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव पर फिलहाल राजी नहीं है। और अब तक सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। 9 दिसंबर को होने वाले 6ठे दौर की बातचीत रद्द हो गई थी, यानी आखिर बार सरकार और किसानों के बीच 5 दिसंबर को बातचीत हुई थी। तो बात करेंगे तो क्या बात बन पाएगी। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, किसान दिवस के दिन किसान अपनी आगे की रणनीति तय करती हुई, वहीं दूसरी तरफ 25 तारीख को एक बड़ा अमाउंट किसानों के खाते में ट्रांसफर करने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। और सिंघू बॉर्डर से जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही कोलकाता से अमित सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जावेद, अपडेट दे दीजिए अभी का। देखिए, पीटी को वक्त आ गया है जब किसान नेताओं की तरफ से बताया गया कि 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी कि क्या फैसला लिया गया, लेकिन बैठक अभी भी चल रही है। मैं बैठक जिस हॉल में चल रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब तमाम किसान नेता जो संयुक्त किसान मोर्चा के हैं वो अंदर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो चिट्ठी आई है उसका जवाब क्या दिया जाएगा। अब तो थोड़ी देर बाद जो इनके प्रतिनिधि हैं वो आएंगे बाहर, और देखिए यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। यहाँ जो आंदोलनकारी किसान है वो भी पहुंच गए हैं। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी थोड़ी देर बाद, वो बताएंगे कि आखिर किस दिशा में ये पूरा आंदोलन जाएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है जिसके बाद सरकार ने जो 20 तारीख को चिट्ठी भेजी थी जिस पर जवाब आज जो है किसान नेताओं को यहाँ देना है। तो इंतजार है कि वो क्या फैसला लेते हैं, और लगातार यही नजरें सभी की बनी हुई है कि जब किसान नेता आएंगे तो जो फैसला लेना है वो क्या कहेंगे, क्या बातचीत की जाएगी सरकार से आगे या नहीं की जाएगी, और अगर की जाएगी तो क्या उसका
रूपरेखा क्या होगी, इन तमाम पहलुओं पर किसान नेता 5:30 बजे अपनी यहाँ बात रखेंगे। वो बातचीत भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो यहाँ सिंधू बॉर्डर से अब सामने आ रहा है जी। और ये घटनाक्रम लगातार इस पर नगाह बनाकर रखिएगा। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर उम्मीद जताई है कि किसान सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। कृषि मंत्री के मुताबिक सरकार किसानों से हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। मैं पूरी तरह आशावान हूं कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे, तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही वो विचार करके निर्णय करके हम तक इसकी सूचना देंगे और हम तत्परता से उनसे वार्ता करेंगे और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की ओर अग्रसर होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। कृषि मंत्री ने दावा किया है कि देश के ज्यादातर किसान नए कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में हैं। कृषि मंत्री ने दावा किया कि अब तक उन्हें 3 लाख से ज्यादा किसानों का समर्थन मिल चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर से। जावेद, आप बता रहे हैं कि लगातार ये जो बैठक चल रही है बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ और जानकारियां जो इस बैठक से अभी आप दे पाए? देखिए, लगातार बैठक चल रही है, आज ये तीसरा दिन है। 20 तारीख को सरकार की तरफ से चिट्ठी आई थी, तो अभी अंदर की बात जो है वो किसान नेता यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वही रखेंगे। लेकिन सबसे अहम ये है कि जो चिट्ठी भेजी थी 20 तारीख को सरकार ने, उसका जो सार है उसमें लिखा है कि जो पहले की बैठकें हुई हैं, जो बात हुई है, जो आपकी चिंताएं थी उनको हमने पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन और आपकी जो चिंताएं हैं उन्हें बताएं, तारीख बताएं और फिर से विज्ञान भवन में बातचीत की मेज पर आएं। तो ये सबसे अहम है कि क्या जो प्रस्ताव सरकार ने पहले भेजे थे किसान नेता उसे खारिज कर चुके हैं। कमोबेश सरकार की तरफ से बात साफ हो चुकी है कि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। तो ऐसे में कि सबसे महत्वपूर्ण किसान नेताओं का रुख है कि वो क्या आगे कहते हैं, जो ये चिट्ठी आई है इस पर क्या वो बातचीत करने जाएंगे। जिस तरह से सरकार आगे बढ़ी है, फिर से अब किसान नेताओं का रुख सामने आना बाकी है कि वो इस चिट्ठी का जवाब किस तरह से देंगे, क्योंकि वो प्रस्ताव औपचारिक तौर पर जो सरकार ने भेजे थे उनको पहले ही खारिज कर चुके हैं। तो ये अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा प्रीति कि जो किसान नेता हैं वो इस पर क्या रुख अपनाते हैं सरकार की चिट्ठी पर। जी बिल्कुल, और सरकार के उस खत पर क्या रुख है किसानों का, इस पर निगाह है। और एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन पर जमे हैं, तो दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया है कि देश के ज्यादातर किसान कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हैं। तो तोमर के मुताबिक 3 लाख किसानों ने लिखित में कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया है और इसके अलावा कई किसान संगठनों की तरफ से भी समर्थन मिलने का दावा किया गया है। तो कृषि मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों को लिखित में समर्थन देने के लिए हम लगातार तैयार हैं, और एक बड़ा तबका किसानों का जो ये मान रहा है कि किस तरह से ये सुधार उनके हक में है। देश के ज्यादातर किसान, एक बड़ा तबका किसानों का कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा है। देश भर में कानून पास होने के बाद लगभग 3 लाख किसानों के हस्ताक्षर विनोद जी की संस्था के माध्यम से देश भर के किसानों ने समर्थन में किए हैं। आज किसान दिवस के अवसर पर वे हस्ताक्षर कानून के समर्थन में यहाँ पर सौंपने के लिए आए हैं। मैं मंत्रालय की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके चिंतन की संरक्षा सरकार जरूर करेगी। जावेद हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, अभी कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 3 लाख किसानों ने लिखित में कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया है, ऐसे में इस पर किसानों की क्या राय है जो सिंघू बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं या उनके साथ जुड़े हैं?
देखिए जो किसान सिंघू बॉर्डर पर और टिकली बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं वो सीधे तौर पर जो कृषि सुधार कानून है उनके रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देखिए मैं अगर अब यहाँ तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ हलचल बढ़ रही है, संभावना है कि जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है। अब से थोड़ी देर बाद जो है जो किसान नेता है वो यहाँ आएंगे। देखिए कुछ लोग निकलना शुरू हो गए हैं जो हॉल जिसमें बैठक चल रही थी वहां से निकलने के लिए, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें बताया जाएगा कि क्या रुख अपनाया जा रहा है। और यहाँ पर अब हलचल तेज हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जो किसान नेता है वो क्या अपनी बात कहेंगे और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसी पर ये सामने आएगा कि ये जो पूरा आंदोलन पिछले 28 दिन से चल रहा है दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर ये किस दिशा में जाता है। तो ये थोड़ा इंतजार करना होगा प्रीति हमें जब तमाम जो किसान नेता हैं यहाँ आएंगे और अपनी बात रखेंगे सरकार की स्थिति पर जिसमें सरकार ने फिर से बातचीत की पेशकश की है। अब इनका रुख क्या रहता है उसी पर नजरें प्रीति। तो यानी कि शाम के 5 बजे के आसपास ही तस्वीर ज्यादा बेहतर साफ हो पाएगी। जैसा जावेद बता रहे हैं कि बैठक खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। इधर किसानों के मुद्दे पर बीजेपी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार 9 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर करना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी इस काम में रोड़े अटका रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ममता बनर्जी ये पैसे खुद मांग रही है। पीएम किसान निधि को लेकर जिस प्रकार की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है वो कह रही है पैसा डायरेक्टली मत भेजिए, आप पैसा हमें दे दीजिए, हमारे ट्रेजरी में दे दीजिए, मैं बांटूंगी किसको बांटना है किसको नहीं बांटना है। अमित, बीजेपी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है, इस पर जाहिर तौर पर टीएमसी में खलबली होगी। जी हाँ, निश्चित तौर पर प्रीति, और इस बाबत हमने टीएमसी नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की है, उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश की है। फिलहाल वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो उनका कहना है कि वो थोड़ी देर बाद वो इस पूरे मसले पर वो भी बोलेंगे, चाहे कल बोलेंगे, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि इस किसान के मुद्दे पर केंद्र सरकार के जो प्रवक्ता है संदीप पात्रा उन्होंने ममता सरकार पर हमला किया है। इससे पहले भी वो हमला कर चुके हैं, लॉ ऑर्डर को लेकर हमला कर चुके हैं, लेकिन इस बार पीएम किसान योजना के तहत जो पैसे सीधे किसानों के अकाउंट में जाता है उसको लेकर हमला किया है। और उन्होंने कहा है कि जो राशि डायरेक्ट मोदी सरकार जो है किसानों के अकाउंट में देना चाहती है जो सहायता राशि, वो ममता सरकार कह रही है कि उनको दिया जाए, उनके मार्फत दिया जाए। कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर राजनीति है। तो वहीं राज्यपाल जो है पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़, उन्होंने भी ममता सरकार पर हमला किया है। मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर में आतंकी हमले की। किसान आंदोलन की बात करते हैं, इस मुद्दे पर बीजेपी ने वामपंथी दलों पर सीधा हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीधा आरोप लगाया कि जहाँ भी लेफ्ट की सरकार रही है वहाँ पर किसान और कृषि दोनों ही तबाह हुए हैं। संबित पात्रा ने दावा किया कि केरल जहां पर लेफ्ट की सरकार है वहां पर एपीएमसी यानी अनाज कानून ही नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि लेफ्ट कृषि सुधार कानूनों पर दोहरा मापदंड अपना रही है। संबित पात्रा के मुताबिक कृषि सुधार कानून पूरी तरह से किसान और कृषि के हित में है और इससे देश और किसानों का विकास होगा। जहां जहां वामपंथ रहा है वहां वहां किसानी डूबी है, वहां वहां किसान पर अत्याचार हुआ है, और जब जब भाजपा आई है किसान आगे बढ़ी है। द आइडियम इन इंग्लिश इज वेर एवर देर इज लेफ्ट देर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ इकोनॉमी। ये बिल्कुल सही है, जहां भी लेफ्ट होती है वहां इकोनॉमी की, वहां किसानों का कुछ भी बचता नहीं है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। यहां तक ये वामपंथ और लेफ्ट का सवाल है, ये कम्युनिस्ट पार्टी से दोगला हिपोक्रेटिक पार्टीज और कोई नहीं होते हैं। हिपोक्रेसी इज दाई नेम जहां तक कम्युनिस्ट का सवाल है। और इन्होंने दोगलेपन में जिस प्रकार से सारे सीमाओं को लांघ दिया है, इन वामपंथियों ने भिन्न भिन्न संस्थाएं और उनकी सरकारों ने किसानों के ऊपर कई अत्याचार किए हैं, ये बात अलग है कि आज वो दिखावा कुछ और कर रहे हैं। हमारे साथ कोलकाता से अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, बहुत बड़ा हमला बीजेपी सरकार ने किया है ममता सरकार पर, क्या इसे टीएमसी इस तरह से भी प्रचारित कर सकती है कि चुनाव है तो इस तरह के अनर्गल आरोप बीजेपी लगा रही है, या फिर वो मान सकती है? क्योंकि अगर इस तरह की बात बीजेपी कर रही है तो जरूर कोई तथ्य होगा, कोई सबूत होगा।
जी हाँ, जाहिर तौर पे इससे पहले भी जब भी बीजेपी ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं तब पलटवार टीएमसी की तरफ से हुआ है। ममता सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा संभाला है और उन्होंने कहा है कि सामने इलेक्शन है, आने वाले कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाला है, तो इस तरीके का आरोप, बेबुनियाद आरोप ममता सरकार पर लगाया जा रहा है। तो अगर हम बात करें जो संबीत पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें उन्होंने मुद्दा उठाया कि जो पीएम किसान योजना के तहत जो डायरेक्ट पैसे किसानों के अकाउंट में जाता है वो नहीं जा रहा है। ममता सरकार उस पैसे को कह रही है कि उनके उनको पहले भेजा जाए। तो अगर हम यहाँ के आम लोगों से बात करते हैं तो आम लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है, चाहे वो राज्य केंद्र सरकार, उसको वो जो पैसा दिया जाता है राज्य सरकार अपने जरिए इसलिए देना चाहती है क्योंकि राज्य सरकार अपना क्रेडिट लेना चाहती है। तो वहीं देखा जाए तो संबीत पात्रा ने जो आरोप लगाया है लेफ्ट नेताओं लेफ्ट पार्टी पर कृषि सुधार कानून को लेकर, तो अगर हम पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखें तो अभी फिलहाल सत्ता में यहाँ पर टीएमसी है। सबसे बड़ी खबर आ रही है हमें कृषि सुधारों पर बीजेपी के जागरूकता अभियान से जुड़ी हुई। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की जयंती के मौके पर कई जगहों पर चौपाल की गई और किसानों को नए सुधारों से होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। और इस बीच दिल्ली के बॉर्डर पर 28वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन अब सरकार को उम्मीद है कि किसान बातचीत के लिए आगे आएंगे और नए सुधारों को अपनाकर फायदा उठाएंगे। किसानों की चौपाल करेगी कमाल, चौपाल से बनेगी किसानों की बात, बात से टूटेगा किसानों का भ्रम जाल। सबसे बड़ी खबर आ रही है कृषि सुधारों पर किसानों का भ्रमजाल दूर करने से जुड़ी। सरकार लगातार किसानों को मनाने में जुटी है और मंत्रियों के साथ बीजेपी ने भी देश भर में किसान चौपाल की है। मौका था पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती का, जिस पर बीजेपी ने बागपत, जयपुर और पुणे में किसानों की चौपाल लगाई। चौपाल में शामिल किसानों ने सुधारों को खेती और किसानों के हित में बताया। हाँ, बात बिल्कुल उनसे करनी चाहिए और जो सरकार है वो भी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि क्या नाम है, हम किसानों ने बुलाकर जो भी हम तक कोई इसमें बिल में जो भी कोई कमी आई है हम उसने दूर करने के लिए तैयार। ये जो नई कृषि नीति पे जो घोषणा गवर्नमेंट ने की है वो किसानों के हित में है और इसे बिचौलिए खत्म हो जाएंगे और किसान सीधा अपना माल बेच सकेगा। इस बीच केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार ने भी किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किसानों को सम्मानित किया और 11 किसानों को तोहफे में ट्रैक्टर दिया। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन नए सुधारों से किसानों का सम्मान बढ़ना तय है। फसल तैयार होने के पहले ही अपने उस फसल को बेचने का अधिकार किसान के पास होगा, लेकिन जिन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मुनाफा किसान के खाते में जाए, वे लोग ही आज इसका विरोध करके गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। उधर कृषि सुधारों की जानकारी देने के लिए किसानों की चौपाल लगी और इधर सुधारों के खिलाफ कई किसान संगठनों का धरना भी जारी है। 28वें दिन भी अपनी मांगे मनवाने के लिए बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे किसान लगातार कृषि सुधारों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जब भी बात करते हैं हमें तुम समझाएंगे, कानून अच्छे हैं। जब हम कहते हैं कानून हमारे लिए घातक है, किसान जो खेती करता है उसको मालूम है उसको अच्छे है या गलत है, वो कानून जब हम मानते नहीं, हमने मांगे नहीं, वो क्यों दे रहे हैं। किसानों के धरने का सबसे बड़ा ठिकाना दिल्ली का सिंघू बॉर्डर बना हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर हमेशा की तरह से दिन की शुरुआत हुई, लेकिन किसान लगातार अपने नेताओं और सरकार के अगले कदम पर नजरें टिकाए रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गतिरोध तोड़ने के लिए पहल की और ट्वीट किया कि आज किसान दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी अन्नदाताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा का कवच प्रदान किया है। कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान आंदोलनरत हैं, सरकार उनसे पूरी संवेदनशीलता के साथ बात कर रही है। मैं आशा करता हूं कि वे जल्द ही अपने आंदोलन को वापस लेंगे, लेकिन कुछ किसान संगठन मानने को तैयार नहीं हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के साथ यूपी से जुड़े गाजीपुर बॉर्डर पर भी जमावड़ा बना रहा, लेकिन किसान नेता बातचीत के लिए तैयार दिखाई दिए। हाँ, समाधान तो बातचीत से निकलेगा, जब सरकार बात करना चाहेगी तो बात कर लेंगे। वे चाहते हैं ना कि इसमें संशोधन कर दे, संशोधन को तो हमने मने कर दी, कानून वापसी लेने को उन्होंने मने कर दी, तो अभी तो यही बना हुए 8 तारीख से यही काम चल रहा है अभी। किसान आंदोलन के बीच विपक्ष भी अपने तेवर कड़े किए हुए हैं।
पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनके बेटे और राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी अजीत सिंह ने सरकार पर निशाना साधा और कृषि सुधारों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। चरण सिंह को सारी दुनिया मानती है, देश मानता है कि किसानों के सबसे बड़े नेता वो थे, तो इसलिए इनको ये सहन नहीं हो रहा था कि किसी तरह किसान लोग के कुछ प्रतिनिधि यहाँ आए और चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि दें, ये इनके दिल में इनसे सहन नहीं हो पा रहा। असल में ये जो कानून लाए हैं, कोई किसानों से बात नहीं की इन्होंने, किसी राजनीतिक दल से बात नहीं की इन्होंने। कृषि सुधारों के पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी जारी है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने हवन किया, तो उधर बागपत में किसानों की चौपाल में भी हवन किया गया। उधर जयपुर के पास भी एक गांव में किसानों में जागरूकता के लिए चौपाल की गई, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर होने वाली खेती के फायदे गिनाए गए। हम तो पहले भी गाँव में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती करते थे, जो बात ही बताते थे, लिखित में नहीं करते थे, लोगों पे आम विश्वास हुआ करता था। ऐसा ही हम मंडियां पहले देखा ही नहीं करते थे, यहाँ के लोग जानते ही नहीं थे। अब कंपटीशन में अगर कई प्राइवेट मंडियां भी होगी तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को फायदा होगा। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कृषि कानून के फायदों पर चर्चा में तेजी आई है, उससे सरकार की भी उम्मीदें बढ़ी हैं कि आंदोलन कर रहे किसानों का भ्रम टूटेगा और किसान अपने गाँव और खेतों की तरफ लौट जाएंगे। और जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली दफे हुए जिला विकास परिषद के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की। यही नहीं, बीजेपी ने कश्मीर घाटी में पहली बार 3 सीटों पर जीत दर्ज कर नया इतिहास रचा। ऐसा पहली बार हुआ है जब कश्मीर घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी को घाटी में 3 सीटें मिली, जबकि जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन को पार्टी नेताओं ने आर्टिकल 370 और 35A का समर्थन करने वालों के खिलाफ जनता का जनादेश बताया है और बीजेपी की जीत को पीएम मोदी की नीतियों की जीत करार दिया है। मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहूंगा। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। ये जो बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था। बीजेपी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीट मिली है, पीडीपी को 27 और कांग्रेस को 26 सीट मिली है। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। और जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के नतीजों पर नजर डाले तो बीजेपी को चुनाव में 75 सीटों पर जीत मिली, जबकि गुपकार गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 67 और पीडीपी को 27 सीटों पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस महज 26 सीट पर सिमट गई। निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनावों में 50 सीटों पर कब्जा किया, जबकि अन्य दलों को 33 सीट मिली है। और जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट किया है, मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की बहाली के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली दफे हाल ही में करवाए गए डीडीसी चुनाव उसी की गवाही है। इन चुनावों में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को दर्शाती है। डीडीसी चुनाव में इस तरह के शानदार मतदान के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई। मैं कई चरणों में हुए इन चुनावों को सफलतापूर्वक करवाने के लिए हमारे सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन की कोशिशों की तारीफ करता हूं। इससे लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के लोगों का मनोबल और विश्वास बढ़ेगा। मैं जिला विकास परिषद चुनावों में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के भाइयों और बहनों को दिल से बधाई देता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जम्मू कश्मीर की खुशहाली और विकास की दिशा में लगातार काम करना जारी रखेगी। डीडीसी के पोल में जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, जो जज्बा दिखाया है, जो जिस तरह से उन्होंने वोट किया है, जिस तरह से जमहूरियत को कामयाब किया है, जिस तरह से लोकतंत्र को मजबूत किया है, और जम्मू रीजन में बहुत अच्छा हमने परफॉर्म किया
और कश्मीर वैली में भी एक मजबूत किला 7 पार्टियों का बनाया था गुपकार गैंग ने, हमने उस किले को ध्वस्त किया है और हमने किले को ध्वस्त करके कश्मीर वैली में भी कमल खिला दिया है। जम्मू कश्मीर जनता का ये बड़ा जीत है क्योंकि जनता ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लेकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रणाली पर अपना जो मुहर है वो लगाया है और हमारे संवैधानिक प्रक्रिया को स्वागत किया, स्वीकार किया है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को फिर एक बार दर्शाया। जम्मू में बड़ी संख्या में 71 सीट्स जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने जीता और पहली बार सीधे चुनाव में घाटी में भी 3 स्थानों पर विजय प्राप्त करके एक पैन जम्मू कश्मीर पार्टी के रूप में अपने आप को प्रस्थापित किया है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए पहले चुनाव में बीजेपी को मिले भारी समर्थन से पार्टी जोश में है। पार्टी ने जीत को आर्टिकल 370 पर जनता की मुहर बताया। डीडीसी चुनाव के नतीजों पर चर्चा और आगे की रणनीति के लिए जम्मू के बीजेपी दफ्तर में पार्टी की एक अहम बैठक हुई जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। खबर है कि इस बैठक में डीडीसी चुनाव में मिली जीत पर एक विशाल विजय जुलूस निकालने की तारीख पर चर्चा की गई। डराने का प्रयास किया गया, आतंक की बात की गई, बंदूक उठाने की बात की गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने 8 चरणों के इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने मतदान किया और कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। 51% से ज़्यादा पोलिंग हुई जो अपने आप में पिछले के चुनावों की तुलना में बहुत अच्छी थी। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी को चुनावों में 75 सीट पर जीत मिली है जबकि गुपकार गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 67 और पीडीपी को 27 सीटों पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस महज 26 सीटों पर सिमट गई है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव में 50 सीटों पर कब्जा किया जबकि अन्य दलों को 33 सीट मिली है। और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में पार्टी की कामयाबी को आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर जनता की मुहर बताया। धारा 370 जो है ये हमारे विकास में अवरोधक थी। देश के साथ में जो जुड़ाव होना चाहिए था एक आंदोलन का, उसके अंदर में ये बहुत बड़ी बाधा थी। तो इसको जब आदरणीय मोदी जी ने एक बार प्रयास किया कि पीडीपी के साथ सरकार बनाकर ये देखा जाए कि ये लोग मुख्यधारा में शामिल होते हैं नहीं है और अलगाववाद की प्रवृत्ति कम होती है नहीं है, पर 3 साल सरकार चलाने के बाद में जब उनको ये अनुभव हुआ कि ना तो ये अलगाववाद की धारा को छोड़ने वाले हैं और ना ही ये जहाँ के विकास कार्यों के अंदर में करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, तो उन्होंने ये एक फैसला लिया था। 370-35A खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की और कश्मीर वैली के अंदर यहाँ पे आतंकवाद, हुर्रियत और ये गिलानी जैसे लोग रहते हैं। हमेशा यहाँ पे पाकिस्तान की बात की जाती है, वहाँ पे देश हित के लिए वोट पड़े, डेवलपमेंट पे वोट पड़े और मोदी सरकार ने जो फैसले जम्मू कश्मीर के लिए किए थे उसके सपोर्ट में कश्मीर वैली के अंदर और जम्मू के अंदर लोगों ने वोट किए। हम जम्मू कश्मीर की आवाम का धन्यवाद करते हैं। जैसे कि कुछ चंद पार्टीज के लोग इसका प्रोपोगंडा कर रहे थे कि 370 और 35 से हटने के बाद JNK की पब्लिक ना खुश है, ये DDC जो DDC इलेक्शन हुए हैं इसने ये साबित कर दिया कि ये जो 370 और 35 से जो भी केंद्र सरकार ने जो भी डिसीजन लिए हैं स्टेट के हित में लिए, स्टेट की पब्लिक के हित में लिए और एक खुशी का हजार करते हुए उन्हें खुल के बोर्ड पोल किए और अपने अपने नुमाइंदे जो हैं वो चुने। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद पहली बार हुए जिला विकास परिषद चुनाव में कई इतिहास रचे गए। तमाम अंदेशों को धता बताकर चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए जिसमें बीजेपी का जबरदस्त दबदबा दिखा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने रचा इतिहास। डीडीसी चुनाव के नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी, घाटी में भी खिला कमल।
गठबंधन बनाकर बची एनसी और पीडीपी। कांटे की टक्कर में गुपकार गठबंधन निकला आगे। हिंदुस्तान के माथे पर कमल खिला तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बल्लियों उछलने लगा। जैसे जैसे नतीजे आते, कभी प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे लगते तो कभी भारतीय जनता पार्टी के। जम्मू कश्मीर में हुए जिला परिषद चुनाव के नतीजों पर बीजेपी के इस उत्साह की वजह है। जो दल कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने पर इसे अलगाव का मुद्दा बना रहे थे, जो दल कश्मीर में बारी बारी से सरकार बनाने को अपना हक समझ रहे थे, जब इस सूबे को केंद्र शासित बनाकर और उसके स्पेशल स्टेटस को खत्म कर चुनाव हुए तो जनता ने अलगाव की बात करने वालों की बजाय जमहूरियत के नारे लगाने वालों पर भरोसा जताया। और अब ऐसे नतीजे आए तो कार्यकर्ताओं की तरह राज्य के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना भी झूमते नजर आए। जिला विकास परिषद चुनाव के इन नतीजों को बीजेपी के डंके के रूप में यूं ही नहीं देखा जा रहा। 280 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों के मुताबिक गुपकार गठबंधन ने 110 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी ने 75 सीटों पर बाजी मारी। कांग्रेस को 27 सीटों पर जीत मिली तो 54 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की। इन नतीजों से साफ है कि अगर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने 7 दलों का गठबंधन नहीं बनाया होता तो उनकी लुटिया डूबनी तय थी। इसलिए बीजेपी जम्मू कश्मीर में अकेले दम पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने से गदगद है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और जम्मू के 6 जिलों में हमारी क्लियर मेजॉरिटी है। बहुत से इंडिपेंडेंट्स भी वहां पर जीते हैं और कश्मीर में जिस प्रकार से हम उभर करके आए हैं, मैं तो कहूंगा कि हमारी जीत है। बीजेपी वर्सेस ऑल था और 7 पार्टियों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन उसके बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी का जो वहां पर खाता खोलना अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक मानना चाहिए। तो हमें वोट भी काफी मिला है। एक समय था जबकि 3 पार्लियामेंट्री काउंसिल में केवल 5,000 वोट था, आज हमारा 4.5 लाख वहां पर मेंबरशिप है। तो आने वाले समय में कश्मीर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की राह पर आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। इन नतीजों को गठबंधन से हटकर अगर पार्टियों से तुलना कर देखें तो बीजेपी को 75 सीटों पर मिली जीत के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 और पीडीपी को 27 सीटों पर जीत मिली। यही नहीं, कश्मीर घाटी जहां बीजेपी की मौजूदगी तक को लेकर सवाल खड़े होते थे, वहां भी बीजेपी का कमल खिल गया। घाटी में बीजेपी 3 सीट जीतने में कामयाब रही। जम्मू कश्मीर की जनता डरी नहीं, ना बम से ना बंदूक से, बैलेट का साथ दिया, नई लीडरशिप को आगे आने का अवसर दिया और इन चुनावों ने दिखा दिया है जम्मू कश्मीर की जनता अब भ्रमित होने वाली नहीं है। 280 नए लोग चुनकर आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जब हजारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया तो एक संदेश तो दुनिया भर में गया कि जम्मू कश्मीर ने मन बना लिया है दुनिया को संकेत देने का, अब केवल विकास करेंगे। जम्मू तो बीजेपी का गढ़ रहा ही है। इन चुनाव में भी जम्मू जिले की 14 सीटों में से 11 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन जिला विकास परिषद चुनाव से जो सबसे अच्छी खबर आई वो है महिलाओं की जीत। 2,178 उम्मीदवारों में से 450 महिला उम्मीदवार भी डीडीसी चुनाव में उतरी। 33% आरक्षण के चलते 1/3 सीटों पर इनकी जीत तो तय ही थी, लेकिन कई सामान्य सीटों पर भी महिला उम्मीदवारों ने दमदार प्रदर्शन किया। मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने फर्स्ट टाइम जो जिला विकास परिषद के चुनाव हुए हैं, देखो महिलाओं में भी इसको स्थान मिला है। पहले तो हमारी सीट रिजर्व थी, बाद में देखो ना महिलाओं को उनके लिए रिजर्व हो गई। इसके लिए मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी और सभी भारतीय जो महिलाएं हैं और जो महिलाएं चुनाव में खड़ी थी उनको भी मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी राजनीति में कदम रखा है।
जम्मू कश्मीर में बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों की भारी जीत ने साफ कर दिया है कि जनता लंबे समय से बदलाव के हक में थी। उमर अब्दुल्ला भले ही दावा करें कि जनता ने आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले को नकार दिया, लेकिन नतीजे कुछ और ही बयां कर रहे हैं। नतीजों की व्याख्या नेता और दल जिस भी तरीके से करें, लेकिन हकीकत यही है कि जनता ने हर दल को मुस्कुराने का मौका दिया है।